मुझो नालो आनंद खेमाणी है। 1948 में सिंध में लडे हिंदुस्तान में आयासी, पहरी बड़ौदा में पो दिल्ली में। 48 का ही वी दिल्ली में आयो। मुझी सजी पढ़ाई दिल्ली में थी है, लिखण पढ़ण सजो दिल्ली में थी। नौकरी भी मुझी दिल्ली में हुई। मैं पार्लियामेंट में हुस, सीनियर एडिटर तौर मु उतार रिटायर कर 1991 में। सिंधी में मां लिखंदो आया कहानियों, नावल, कविता, आलोचना। 1957 में मु एमए पास कई। उन्हें का पो मु लिखण शुरू कयो है, सिंधी में, हिंदी में, थोड़ो अंग्रेजी में भी। पर घणे भांगे मां जेकी लिखंदो आया सो सिंधी में लिखंदो आया। सिंधी में लिखण वक्त मुझे साम्हूं एकड़ो तमाम वड़ो प्रॉब्लम आए, एकड़ो मिसेलो आए, तो मुझो लिखियत जेका है मुझी सा जिंदा रहंदी या खत्म थी वेंदी। यो डप मुझे मन में इन्हीं करे आए, छाकाण त किन सिंधियन जेके ज़ाहरा पाण के उदार चवंदा हुआ, पर अंदर में उहे तैसबी लोग हुआ। उन्हनि ओचितो 1948 में 200 माण्हुनि गॾिजी मुंबई में हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस कई, प्रस्ताव पास कयो ऐं सरकार खे ॾियारे मोकिलियो त असांजी ओरिजिनल लिपि देवनागरी हुई, तंहिंजे करे असांजे लिपिअ खे बदिलियो वञे। ऐं कांग्रेस सरकार जेका सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ु हुई, सिंधियुनि खे दर बदर करण जे लाइ वॾे में वॾी जवाबदारी कांग्रेस सरकार जी हुई। हालांकि कायरता सिंधियुनि जी जो बि रोल हो, जेकॾहिं सिंधी कायरता न ॾेखारनि हा, न भॼनि हा, त शायदि उन्हनि खे कुझु टुकड़ो सिंध जो मिली वञे हा। उहा सरकार जेका असांजे ख़िलाफ़ु आहे, उन्हनि खे असांजे ई सिंधियुनि हिकिड़ो हथियो ॾिनो त असांजे कल्चर खे कंप्लीटली पूरी तरह सां तबाह कनि ऐं लिपि बदिले छॾियऊं। लिपिअ जे बदिलण सां असांजा ॿार जेके आहिनि, जेको असांजो वरसो आहे, अदब जो वरसो आहे, उहो उन्हनि खां वांझिजी वियो। उहो इन्हनि खे पढ़ी न थे सघिया ऐं लिटरेचर सॼो जेको आहे पुराणो लिटरेचर असांजे ॿारनि जे दायरे खां ॿाहिरि निकिरी वियो। 70 साल थिया आहिनि उन्हीअ ॻाल्हि खे। लिपि बदिलण खां पोइ उन्हनि उनखे स्टैंडर्डाइज़ कोन कयो। हिकिड़ो लेखक हिकिड़ी हिजे थो लिखे, ॿियो लेखक ॿी हिजे थो लिखे, कॾहिं कॾहिं साॻिए किताब में साॻियो लेखक जुदा जुदा हिजे थो लिखे। अहिड़े क़िस्म जी ख़तरनाक बेजवाबदारी सिर्फ़ु सिंधी करे सघंदा, ऐं 70 सालनि में उनखे स्टैंडर्डाइज़ न कयो वियो आहे। ऐं उनजो नतीजो इहो निकितो आहे जो असांजो अदब जेको आहे सो अधु माण्हुनि ताईं पहुचे थो या अधु खां बि घटि ताईं पहुचे थो। कुझु समय खां पोइ के ॿिया राइटर जाॻिया, केरु लेखक जाॻिया, उन्हनि कोर्ट में केस दाख़िल कयो त असांजी जेका ओरिजिनल लिपि आहे उनखे क़ाइमु रखियो वञे। कोर्ट देवनागरीअ खे त रद्द न कयो, उन सां गॾोगॾु अरबी लिपिअ खे बि क़ाइमु कयईं। माना सरकार ऐं कोर्ट ॿिन्ही गॾिजी सिंधियुनि खे हमेशह लिपिअ जे मामले ते विहण जो हिकिड़ो मौक़ो ॾेई छॾियो। अहिड़े नमूने सां असांजो सॼो अदब जेको आहे सो बर्बादु थी वियो आहे। जेकॾहिं हितां जी लिपि देवनागरी आहे ऐं पाकिस्तान में सिंध जी लिपि जेका आहे, सिंधी अदब जी उते जी लिपि अरबी आहे, त माना असांजा पाण में अदबी रिश्ता टुटी वेंदा। ऐं अॼुकल्ह जे ज़माने में पॉलिटिक्स अहिड़े क़िस्म जी गंदी आहे जो कुझु ख़बर न आहे त सुभाणे छा थिए। कॾहिं हिंदुस्तान में सन ऑफ सॉइल थ्योरी जो बोलबाला थिए त सिंधियुनि खे वरी हिकु भेरो हिंदुस्तान छॾिणो पवंदो। ऐं पाकिस्तान में जंहिं क़िस्म जी गलीज़ पंजाबी बालातरीअ जी पॉलिसी अपनाई थी वञे, उन जे बदौलत उतां जा सिंधी कॾहिं रिवोल्ट करे सघनि था ऐं पंहिंजे देश खे अलॻि करे सिंधू देश ठाहे सघनि था। जेकॾहिं सिंधू देश ठहे ऐं लिपि उन्हनि जी अलॻि हुजे, असांजी अलॻि हुजे, माना असांजा नाता ख़तमु थी वेंदा। ऐं हिन वक़्तु हिंदुस्तान में बि ॿिनि लिपियुनि जे करे जेका इमदाद सरकारी मिले थी उहा ॿिनि हिसनि में विरिहाइजी थी वञे। देवनागरी में बि माण्हू किताब था छपाइनि ऐं अरबीअ में बि छपाइनि था। हिन वक़्तु भारत में स्थिति इहा आहे जो जेका इमदाद संस्थाउनि तरफ़ां या सरकार जे तरफ़ां सिंधी किताबनि जे लाइ या सिंधी अदब लाइ मिले थी उहा ॿिनि हिसनि में बि राज़ी थी वञे। साॻियो किताबु देवनागरी में बि छपिजे थो, अरबीअ में बि छपिजे थो।
माना ड्यूप्लीकेशन भी थे थी किताबन की ए जेका इमदाद आए सब अध थी थी वे जैसे कि बिया जेके जिनकी एकड़ी लिपि आए उन्हें वेदन को सजे हिंदुस्तान में सिर्फ सिंधी भाषा अड़ी है जैजू ब लिपियन बी का भी अड़ी भाषा कान् रिकगनइज भारत में जैजो ब लिपियन हुजन यो जुल्म सिंधियों से इन कर न सिंधियों को कोई प्रांत है न सिंधियों को कोई नेता है न सिंधियों के इन गाल शर्म है तो पैं बोली पैं विरासत पैं अदब पैं कल्चर के प्रिजर्व क्यों सिंध में बराबर जै अरबी लिपि शुरू थी उन अग में चार लिपियों यूज में हुई इस्तेमाल में हुई जिनमें देवनागरी में थोड़ा घो तमाम थोड़ा घो अदब है पर चार लिपियों तो कें भी मुल्क में को हल्दियों कें भी भाषा में को हल्दियों आखिर लिपि तो एकड़ी थी हुई अंग्रेज जै आया उन्होंने उतान जो आबादी जो जो धार्मिक या मजहबी तनासब है प्रोपोर्शन है उन्हीं के ध्यान में रखी अरबी लिपि तैयार कराई उन्होंने कमेटी बिहारी उन्हें कमेटी सजेस्ट किया लिपि ठही उनके स्टैंडर्डाइज करायों उन्होंने किताब छपायों इतने हिंदुस्तान में 200 जन गजी करे सिंधी जाति से धोखो कर ओचतो ओचतो लिपि बदले छद्यों 70 साल में वह अना को देवनागरी में अंग्रेजन यो भी कयो जो देवनागरी में जो थोड़ो घो अदब हो वो उन्होंने अरबी लिपि में ट्रांसफर कराया है वक्त असट जो 70 यानी 100 खन साल जो आज़ादी के टाइम ते 100 खन साल जो अदब है जो अरबी लिपि में है वो देवनागरी में हाजिर को जो हिंसर नो लिखी रो वो भी सजे जो सजो देवनागरी में कोने मैं असाजे बार एक किस्म जो जुल्म है लिपि जो मामलो कल्चर जो मामलो है जवाहरलाल नेहरू पब्लिकली जयरामदास दौलतराज के छिंबियो तो लिपि के बारे में जैसे गाली तो समझदारी से गल लिपि अड़ो खतरनाक मामलो है जैमें मुल्क डिवाइड थी सकता मजहब डिवाइड थी सकता बांग्लादेश जो मिसाल है असाजे सामूँ बांग्लादेश ते पाकिस्तान जोर रो तो बांग्लादेश की जहाँ भाषा है बंगला उन लिपि के बदले उर्दू में कहो वे बांग्लादेशी पाकिस्तान जो हिस्सो हुआ बांग्लादेशी मुसलमान आन पाकिस्तान वागर लेकिन उन्होंने बांग्लादेश जे राइटर आज वड़ा वड़ा नजरुल इस्लाम ए टैगोर उन्होंने उर्दू लिपि में पढ़ी ए माने न तो समझे यो झगड़ो एडो वो थो जो पान में उनकी लड़ाई थी हजारे मानन के पाकिस्तान कत्ल कयो हजारे औरतन जो रेप कयो वो उन्होंने सब कुर्बानी दिनों पर लिपि को बदलियों उन बहादुरी के बदौलत उन्हें मुल्क भी आज़ाद कर छो उन्होंड़ी सीख न रुगो पाकिस्तान के पर सारी दुनिया के दिन तो लिपि के कर धर्म जो लिपि से धर्म जो कोई वास्तो को लिपि जो मुल्क से भी कोई वास्तो को सागे नमूने असा के भी पैं लिपि के बचाव ला जी भी कुर्बानी करें खपे वह थोड़ी है हिंदुस्तान के अंदर हिंदी वा मू जे से हमेशा ये चवन तो भाई सजे हिंदुस्तान जो जो भी बोलियन उनकी लिपि हिंदी कर देवनागरी कर पर लेवल से पैं सतह से का भी चेंज करने ला तैयार ना उत्तर प्रदेश में एक दफे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट यानी सरकार एक कॉन्फ्रेंस विहारी एक कमेटी विहारी तो देवनागरी लिपि में जो खराबियों आन जो कमियों आन उन्होंने दूर करने ला तीन सुझाव दियो तो उनके असि थोड़ा चेंज क्यों कमेटी पैंजो फैसलो दिनों के सुझाव दिना उन आधार से उन्होंने लिपि के तमाम थोड़ा चार लफ्ज एडा ओडा बदलिया ए नवा टेक्स्ट बुक तैयार करायों पर उते फसाद थी वह दंगा थे तो भाई जसा चार भी लफ्ज बदलबा तो असो जो अथाह लिटरेचर है वह क्या छपबो नए तरह से उते दंगन के मद्देनजर वह लिपि जो चेंज लिपि वापस वरती वही ओरिजिनली जड़ी भी उनके कायम किया वो तो हिंदी वा पैं लेवल से चार लफ्ज चेंज कर तैयार ना है बेन में या तो उम्मीद कन तो वो पूरा लिटरेचर ही चेंज कर छेन इन सवाल महात्मा गांधी के राष्ट्र जो पिता मनो तो वे उन्हें भी थोड़ो घो चेंज चाहिए थे लिपि में देवनागरी लिपि में
ख़ासि करे वॉवेल्स जेके आहिनि सुर, उन्हनि जे आधार ते उन्हनि हिंदी प्रचार समितीअ जा के किताब नई लिपीअ में छपाया। लेकिन अॼु सूधो हिंदीअ वारनि उनखे क़बूल कोन कयो आहे ऐं बाक़ी हर हिसे में, हिंदुस्तान जे हर हिसे में जेका हिंदी आहे सा साॻी पुराणी अरबी देवनागरी लिखीअ में लिखी थी वञे। त सिंधियुनि जे लाइ कहिड़ी मुसीबत आहे जो ख़्वाम खां पंहिंजी करे, ऐं जेकॾहिं देवनागरी हिंदू की लिपी आहे ऐं अरबी मुसलमान की लिपी आहे त पोइ पेंट जेका आहे असीं पायूं था, ऐं जेके औरतूं सलवार पाइनि थियूं से बि हिंदू ड्रेसिस कोन्हनि, बदिले उन्हनि खे पोइ। हिन ज़माने में जॾहिं दुनिया नंढी थी रही आहे, अहिड़ा तंग नज़रिया रखणु जेको आहे पुठिते मोटणु भॼे बराबरि आहे, प्रगति कान्हे का इहा। मुंहिंजो शख़्सी वीचार इहो आहे त हिन वक़्त बि जेके सिंधी संस्थाऊं आहिनि उन्हनि खे कोर्ट में वञणु खपे ऐं इन्हीअ ॻाल्हि ते एतिराज़ु वठणु खपे त असांजे भाषा जी लिपियूं ॿ छो आहिनि। असांजो जेको संविधान आहे, जोड़जक आहे, उहो न भारत सरकार खे ऐं न कोर्ट खे इहो हक़ु थो ॾिए त हिक खां वधीक लिपियूं रखनि। इन लाइ घणे में घणी कोशिशि करणु खपे लिपि हिकिड़ी थिए ऐं जेका अॻु में मुरवज हुई, जेका चालू लिपि हुई, यानी अरबी लिपि, उहा क़ाइमु रहे। इन ॻाल्हि लाइ असांखे पंहिंजो पूरो ज़ोर करणु खपे, न त अदब डिवाइड थी वेंदो ऐं असांजो जेको ॿियो जेको वाधारो आहे साहित्यिक वाधारो सो रुकिजी वेंदो। जे हाणे जेके ॿार सभु देवनागरी पढ़ी चुका आहिनि, उन्हनि लाइ त पर्सन, उन्हनि लाइ त एसोसिएशन जे संस्था जे लेवल ते क्लासिस हलाइणु खपनि ऐं उन्हनि खे कोशिशि करणु खपे। हालांकि सिंधी ॿार अचनि ई कोन था, छाकाणि उन्हनि खे पंहिंजे भाषा सां प्यार ई कोन्हे। का बि ॿोली तॾहिं वाधारो कंदी आहे जॾहिं उनजो रिश्तो नौकरीअ सां या रोज़ीअ सां हूंदो। सिंधीअ जो रिश्तो नौकरी ऐं रोज़ीअ सां त आहे कोन, तंहिंजे करे तमामु घणी कठिनाई थी वई उननि माण्हुनि खे उन्हनि क्लासिस ताईं आणण लाइ, ऐं ईंदा त उहे क्लासिस अटेंड कंदा रहनि, उन्हनि लाइ बि तमामु घणी कोशिशि करणी पवंदी। इहे सवलो मसइलो कोन्हे को। मां आनंद खेमाणी बुनियादी तरह सां क्रिएटिव राइटर आहियां, रचनात्मक लेखक आहियां। कहाणियूं लिखंदो आहियां, नई कहाणी, नओ नॉवेल, नई क्रिटिसिज़म, नई कविता, ऐं मुंहिंजा घटि में घटि 20-22 किताब आहिनि ओरिजिनल। तंहिंखां सवाइ कुझु तर्जमे में बि किताब आहिनि, कुझु किताब मूं हिंदीअ में लिखिया आहिनि, कुझु किताब मूं अंग्रेज़ीअ मां हिंदीअ में साहित्य अकेडमीअ लाइ तर्जुमो कया आहिनि। जीअं अजवाणीअ जी हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर मूं तर्जुमो कई आहे हिंदीअ में, सचल सरमस्त अंग्रेज़ीअ मां हिंदीअ में मूं तर्जुमो कयो आहे साहित्य अकेडमी जे लाइ। अहिड़े क़िस्म जा ॿिया बि किताब आहिनि मुंहिंजा। आशा चांद कंपनी आहे जंहिं मुंहिंजो किताबु छपायो आहे ट्रांसलेशन जे थ्यूरीअ ते हिंदीअ में, उहो सॼे हिंदुस्तान में ट्रांसलेशन जे थ्यूरीअ ते पहिरियों किताबु आहे, जेको केतिरनि 20-25 यूनिवर्सिटीज़ में एमए लाइ प्रिस्क्राइब्ड आहे। वाह! पर मां उनखे फ़ख्र जी ॻाल्हि न सम्झंदो आहियां, छाकाणि एकेडमिकली मुंहिंजो इन्हनि सां कोई वास्तो कोन्हे। मुंहिंजो सॼो कमु जेको घणो आहे सो क्रिएटिव यानी रचनात्मक आहे, तख़लीक़ी कमु आहे मुंहिंजो। ऐं नए क़िस्म जा नॉवल आहिनि, नई मोरलिटी आहे उन्हनि में, इन करे मूं ते केतिरा आरोप लॻाया वेंदा आहिनि भई ऑप्सीन आहे हिनजो लिटरेचर, पर शायदि सिंधियुनि में लिटरेचर जो सेंस ई कोन्हे, कल्चर ई कोन्हे, उन्हनि खे ख़बर ई कान्हे त ऑप्सिनिटी छा थींदी आहे। ऐं ऑप्सिनिटी हिकिड़ो अहिड़ो टर्म आहे, लीगल टर्म आहे, जेको सॼे हिंदुस्तान में सभिनी सां लागू थींदो, सिंधियुनि सां रुगो लागू न थींदो, ऐं उन हिसाब सां कुझु ऑप्सीन कोन्हे, पर हिते माण्हुनि खे इहो वहम आहे। इनाम मूंखे ॿ मिलिया आहिनि सिर्फ़ु, छाकाणि इनामनि जे लाइ मां कोशिशि कोन कंदो आहियां, माण्हू हिते इनाम लाइ कोशिशि कंदा आहिनि। हिकिड़ो मूंखे साहित्य अकेडमी जो इनाम मिलियो आहे, ॿियो सिंधी अकेडमी जो इनाम मिलियो आहे, ऐं नंढा वॾा जेके इनाम NCPL जा एप्लीकेशन ॾेई जेके माण्हू इनाम हासिलु कंदा आहिनि, चओ चओ करे उहो मुंहिंजो को मस्तु। ऐं लिटरेचर में मुंहिंजो नज़रियो जेको आहे सो शख़्सी नज़रियो आहे, मां कंहिं बि आइडियालॉजीअ में विश्वास न कंदो आहियां। का बि नज़रियात मुंहिंजे साम्हूं नंढी चीज़ आहे, ज़िंदगी जेका आहे उहा वॾी आहे, नज़रियात नंढी आहे। ऐं जेके बि नज़रियात ते लिखंदा आहिनि मां उन्हनि खे राइटर ई न मञींदो आहियां। जीअं तरक़ी पसंदनि खे मां लेखक कोन मञींदो आहियां, उहे एक्टिविस्ट्स आहिनि, उहे हिकिड़ी पर्टिकुलर ऐं ख़ासि नज़रियात खणी हलनि था ऐं उन नज़रियात खे पंहिंजे अदब में पेश कनि था, उहो एकांगी आहे, वन साइडिड चीज़ आहे। जॾहिं की अदब जेको आहे सॼे ज़िंदगीअ सां आहे, उन में सभु नज़रियात अचणु खपनि, सभिनी जूं सुठायूं ऐं ख़राबियूं डिस्कस करणु खपनि।
अज जो साहित्य जो सिंधी में आए कल के साहित्य के मुकाबले यानी अज का 50 साल के मुकाबले घणो बेहतर है छाकाण अज जो जो लेखक है सो घणो पढ़े तो अगे वो लेखक पढ़ो को सिर्फ लिखो हो अज जो लेखक वर्ल्ड लिटरेचर पढ़े तो उन्हें वो इम्प्रेशन करे तो पैं लेवल से उनके ढाले कर लिखे तो ते वो कल का बेटर आ सिंधी में जो नवा लेखक आने से आन ही को छाकाण उन्होंने देवना अरबी लिपि पढ़ी को देवनागरी में उन्होंने लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड ही पुअर है न वे कुछ पढ़ी था सकन न लिखी था सकन ते वे नोवाइस बिल्कुल नंढा लेखक है उनके लेखक ही न मिलना खपे मां यह सलाह दींदस तो कोशिश करें अरबी लिपि सीखन कें भी लेवल से अरबी लिपि सीखन ए अरबी लिपि जो अदब जो है सो पढ़न उन्हें लिखन सिर्फ देवनागरी में पढ़ा चार पंज या पंद्रह वी किताब तो उन्हें कुछ पले न पवो।